बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ तल की सुकड़ी की रेसिपी। चलिए जी इसे झटपट से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत सॉफ्ट होती है। इसके लिए मैंने कढ़ाई में मोटे तलिए की कढ़ाई ली थी, उसमें मैंने एक कटोरी के करीब घी ले लिया था और यही कटोरी से मैंने दो कटोरी भर के गेहूँ का आटा लिया था। जैसे ही घी मेल्ट हो गया था तो वही कटोरी से मैंने गेहूं का आटा लिया था, हाफ बाउल हो गया था ये, और इसको अच्छे से मैं चलाते हुए मीडियम आंच पे पका लूँगी। अब जैसे जैसे इसकी भुनाई करोगे ना तो घी अपने आप से बाहर आने लगेगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और माशाल्लाह से इसमें से अच्छे से खुशबू भी आने लग जाएगी। पर इसको चलाना और इसको भूनना बहुत ज़रूरी है कि इसका कच्चापन ना रहे। इसको तकरीबन मैंने 10 से 12 मिनट तक भूना था मीडियम आंच पे। आप देख सकते हो कि घी बाहर आ गया है और ये अच्छे से पक गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। उसके बाद मैंने एक कटोरी के करीब मैंने तल ले लिए थे वाइट वाले। आप चाहो तो ब्लैक तल भी डाल सकते हो और कोई भी ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। और अभी मैं इसकी भुनाई और करूँगी और इसमें मैं गुड़ डालूँगी। अगर आपके पास रेड वाला गुड़ हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, और नहीं है तो मैंने भी वाइट वाला गुड़ लिया था, वो मैंने हाफ बाउल के करीब ही लिया था, उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने गुड़ के छोटे छोटे पीस कर लिए थे और इसको अच्छे से चलाते हुए पका लूँगी। मैंने घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो ऑयल भी डाल सकते हो। अच्छा जी, अब मैं इसको अच्छे से चलाते हुए इसकी भुनाई करूँगी ताकि गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो जाए, कोई भी गुड़ का पीस अक्खा ना रह जाए, वहाँ तक मैं इसकी भुनाई करूँगी। अच्छे तरीके से गुड़ मेल्ट हो चुका था और इसकी भुनाई भी अच्छे से हो गई थी। गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब मैंने एक प्लेट ले ली थी, उस पर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया था। घी से मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था ताकि सुखड़ी को निकालने में आसानी हो जाए, वो चिपक ना जाए प्लेट में। अच्छा जी, अब मैं सारी सुकड़ी को इसमें डाल दूंगी। ये खाने में बड़ी हेल्दी रहती है और टेस्टी भी बहुत रहती है। मेरे घर में सबको बड़ी पसंद है। इंशाल्लाह आपको भी मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, ज़रूर बनाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अब मैं एक कटोरी के पीछे थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए, और इसको एक से डेढ़ घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। अब मैं इसमें कट लगा लूँगी। आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट बनी है मेरी सुकड़ी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। कट लगाने के बाद मैंने थोड़ी देर इसको ऐसे ही रख दिया था वापस से, और ये इतनी सॉफ्ट बनी थी। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक दीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।